बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल के दोस्त सलाम रेसिपी में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ब्रेड आमलेट। इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। वीडियो को बगैर स्किप किए तक देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अच्छी और यूनिक रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर पहले से सब्सक्राइबर तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ नाश्ते में ब्रेड को किस तरीके से बना के ज़्यादा हेल्दी करने के लिए, किस तरीके से रेसिपी बनाएंगे। तो जहाँ मैंने ले ली है, जितने आपको नाश्ते में ब्रेड बनाने उस हिसाब से आप क्वान्टिटीज हर चीज़ की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लूँगी, उसमें मैं चॉप करके डालूँगी। थोड़ा सा छोटा सा एक लिया है प्याज, उसको मैंने चॉप कर लिया। दो सब्ज मिर्चें नहीं है वो भी मैंने चॉप कर ली हैं। एक मीडियम साइज़ का मैंने लिया टमाटर, उसको भी इस तरह पेस्ट बना लिया, वो इसमें डालूंगी। इसी के साथ डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसमें डालूंगी नमक। अब मैं इसमें डालूंगी, अब इसमें अंडे शामिल करूँगी 3 अदर। इसी के साथ 2 टेबल स्पून दूध शामिल करूंगी। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब एक एक स्लाइस्ड आएंगे, इस तरह डीप करेंगे दोनों साइड से। और घी गर्म होने के लिए बिल्कुल 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। थोड़ी थोड़ी देर तक हम इसको उतारते पलटाते इस तरह टोस्ट करेंगे। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इस बैच को बाहर निकालते हैं, इसी तरह जितने पीस चाहिए हम तैयार करते हैं। माशाल्लाह देखें जल्दी जल्दी मैंने ये नाश्ता तैयार किया है ब्रेड। इतना आसान तरीके से आपके साथ रेसिपी की है, आमलेट ब्रेड की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको आप बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे के भेज सकते हैं, बच्चे भी नाश्ते में भी खा सकते हैं। बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से रेसिपी बनाना होता है। ये वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़।